हेलो फ्रेंड्स, मैं नूतन न्यू एरा मॉम नूतन के अनुभव चैनल में आप लोगों का स्वागत है। ऐसा पार्ले जी का बड़ा पैकेट खरीदती हूँ, इसमें से मैं दो पैकेट निकाली हूँ जो 10 वाला है, और यही दोनों से मैं आज स्वीट बनाऊंगी। सारे बिस्किट को इस कढ़ाई में डाल देंगे अच्छे से। इस एक कॉफी मग से एक मग डालते ही बिस्किट बैठने लगा है, इसको हम अच्छे से चला देंगे। स्टेज पर गैस जला लेंगे, इसको हम अच्छे से गैस कम करके और अच्छे से इसको हम चला चला करके और मिक्स कर लेंगे। चलाते चलाते ये बिल्कुल एक जगह सिमट गया है, आटे की डो की तरह हो गया है। इसको हम इसमें ढक्कन लगा करके और छोड़ देंगे। इस कटोरी से एक कटोरी हम चीनी डालेंगे, इसका चाशनी बनाएंगे। लगभग ये 250 ग्राम होगा। इसमें हमने 4 इलायची छील के डाल दिए हैं, छिलका सही एक कटोरी पानी। अब हम गैस लाइटर लगा देंगे, इसको हम चलाते रहेंगे। और इसका हमको चाशनी बनाना है, चिपचिपा सा बनाना है, हमको उसमें कोई तार नहीं बनाना है। एकदम चिपचिपा सा हो जाएगा तो चाशनी बनकर तैयार हो। जब तक चाशनी बन रही है इसको हम अच्छे से हाथ से मिक्स करके देख लेंगे कि एक भी गांठ तो नहीं है, और अच्छे से इसको हम आटे के रोटी के आटे की तरह सान लेंगे। एक भी गांठ नहीं है, सब गल गया है। हम इसका छोटा छोटा बॉल बनाएंगे, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा। अगर क्रैक करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये फटे। ये देखिए चाशनी बन के तैयार है, इसमें कोई तार नहीं है, कोई तार नहीं है। बस इसको हम छुएंगे तो हल्का सा ये चिपचिपा लगता है। बस इसी स्टेज पे हमको तैयार करना है चाशनी। देखिए अब इसको हम छुएंगे तो हल्का सा चिपचिपा लग रहा है। मेरे सारे बॉल बन गए हैं। इसको हम अपना पात्रा में फ्राई करेंगे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा घी डाल देते हैं, आप रिफाइन या जो भी तेल डालना चाहते हैं उसमें डाल सकते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा देसी घी डाल देती हूँ, ये हेल्दी हो जाएगा, इसमें वायल नहीं रहेगा। अगर आप कढ़ाई में फ्राई करके बनाना चाहते हैं तो जब बिस्किट का बेस्ट बनेगा उसमें थोड़ा सा 2 स्पून मैदा डाल। मेरा पापा पात्रा गर्म हो गया है, इसमें हम एक एक बॉल डाल देंगे। कढ़ाई में हम फ्राई करेंगे तो ये फट जाएगा। इसको हम स्पून से उलट उलट के खूब रेड एकदम ब्राउन करके और फ्राई कर लेंगे। देखिए सब ब्राउन हो गया है। अब हम इसको अच्छे से निकाल के गरम गरम ही चाशनी में डालेंगे। चाशनी ठंडा हो तो चलेगा, लेकिन ये बॉल हमारा जो है गरम रहना चाहिए। साइड वाला थोड़ा सा अभी ब्राउन नहीं हुआ है, बीच वाला अच्छे से हो गया है, तो हम बीच वाला को निकाल के और चाशनी में डाल देंगे। बीच वाले को हम निकालेंगे और गरम गरम ही डाल देंगे इसमें। बीच वाले में फिर से डाल देंगे दूसरा। देखिए हमने सारे को बना के चाशनी में डाल दिया है। अब इसको हम आधा घंटा के लिए ढक के छोड़ देंगे, फिर हम सर्व करेंगे। एक हम काट के दिखाते हैं, देखिए कितना सॉफ्ट है, एकदम एकदम जूसी है, टूट गया एकदम अच्छे से। ये देखिए हमने सर्व किए हैं, कितना सुंदर लग रहा है। आप लोग बना के खा के कमेंट में बताइए कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा।